नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कब्ज़ के बारे में बात कर रहे हैं। कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन रहना, पेट साफ ना होना, या फिर मल त्याग करने में तकलीफ होना, बार बार टॉयलेट में जाना पर फिर भी पेट साफ नहीं होता। कब्ज़ की वजह से देखिए बहुत सी तकलीफ़ें हो सकती है, जैसे बार बार मुंह में छाले हो जाना, या फिर किसी के पेट में भारीपन रहना, गैस एसिडिटी की शिकायत हो जाना, या बवासीर बन जाना, बदहजमी रहना यानी अच्छा खाते पीते हुए भी शरीर में ना लगना, तो ये मेरे कब्ज़ के कारण होते हैं। तो कब्ज़ के रोगियों को देखिए, एक तो अपना खान पान सुधारना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, तली फली चीज़ें या मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से भी कब्ज़ हो जाती है। इसलिए हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, फाइबर युक्त जितने भी फ्रूट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, पपीता इस्तेमाल ज़्यादा करें, और लिक्विड ज़्यादा रखें, पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, क्योंकि जब पानी कम पीते हैं तो शरीर में खुश्की आ जाती है, और खुश्की आने की वजह से आंतों में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से अक्सर कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। तो इसलिए पानी की मात्रा प्रॉपर रखें, नींद पूरी लें, क्योंकि नींद ना आने की वजह से भी कब्ज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए नींद भी पूरी लेनी चाहिए, पानी भी पूरा पीना चाहिए। अगर इसके बाद किसी को भी परेशानी है तो मैं एक बहुत अच्छी दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है डॉक्टर कब्ज़ क्लीन प्लस BC4। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फार्मूलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा होता है, पीने के लिए डॉक्टर कब्ज़ क्लीन ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की 1 कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीनी होती है, और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 4 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, और पानी की मात्रा ज़्यादा रखें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285-742-000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।